बस बाजी, मैंने पक्का फैसला कर लिया है, मुझको नहीं करना यहाँ पे काम वाम। क्यों, तुम क्यों काम छोड़ना चाहती हो, क्या हो गया? क्यों, आपने क्या मुझसे स्टैम्प पेपर पे लिखवा लिया है कि मैं ये काम ही नहीं छोड़ सकती? अरे भाई, स्टैम्प पेपर पर तो नहीं लिखवाया, लेकिन फिर भी बताओ तो सही, हुआ क्या है, क्यों छोड़ा है काम? बाजी, बस मैं आपको बता रही हूँ, मेरे जैसी बंदी ना यहाँ काम नहीं कर सकती। क्यों, हम क्या बंदे खाते हैं? बस खाते ही नहीं है, मार देते। ओ अच्छा, सालार भाई, सालार थोड़ा सा गुस्से वाला है, उसको कोई भी गलत बात ना बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो लोगों से लड़ता है, बस और तो कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे के अंदर। बाजी, बस मैं आपको बता रही हूँ, मैं ना बहुत डरपोक हूँ, अपने ना वालदैन की अकलौती औलाद हूँ मैं, मुझे अभी नहीं मरना। बस कर दो, तुम्हें कोई नहीं मारेगा। अभी नहीं मार लेना, मार ही देंगे एक दिन। भाई कोई गलत काम करोगी तो मारेगा। देखा, यही कह रही हूँ कि मारेंगे जरूर एक दिन। अरे ऐसा भी नहीं है, तुम खामा खामा सोचो। अच्छा, सोचना क्या है, बस मैंने पक्का पक्का फैसला कर लिया है, मैं नहीं रुकने वाली यहाँ। देखो माला, तुम इस मोहल्ले की ना देखी भाली काम वाली हो, और एतबार भी है तुम पे। देखो, मेरा तो तुम्हारे बगैर गुजारा नहीं है। तो अगर मैं मर गई तो तब भी तो गुजारा करना पड़ेगा ना आपको। खुदा खुदा करो, कुछ नहीं होता, बिला वजह डर रही हो। यहाँ पे अगर मैं रही ना तो मुझे कुछ ना कुछ हो ही जाना है। खैर का कलमा पढ़ो, अल्लाह अल्लाह करो, कुछ नहीं होता तुम्हें। देखो माला, तुम दूसरों से जितनी तनख्वाह ले रही हो ना, मैं उसकी डबल दूंगी तुम्हें, मंजूर है? सच कह रही है बाजी? हाँ हाँ सच कह रही हूँ, बताओ मंजूर है? डन करें बाजी। देखें, मेरी जो तनख्वाह है ना इस वक्त है 7,000 रुपये, तो अगले महीने से आप मुझे 14,000 देंगी। अरे भाई, मैं तुम्हें 14 नहीं, पूरे 15,000 दूंगी, लेकिन भाई काम छोड़ के मत जाना, खुदा के लिए। अच्छा चले, ठीक है, तो मैं फिर सफाई करती हूँ। अच्छा बेगम साहब, बेगम साहब, गजब हो गया। क्या बाहर पुलिस आई है? सालार साहब को गिरफ्तार करने के लिए बहुत सारी मोबाइल है। ओ मेरे खुदा सालार, उसे ही कमी रह गई थी। हाँ।